आपने कोई ऐसा थानेदार देखा है जो वर्दी पहनकर नियमित रूप से थाना क्षेत्र की स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाता हो? सुनने में अचंभा जरूर होगा, लेकिन यह सच है। हम आपको एक ऐसे ही थाना प्रभारी से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। पुलिस की वर्दी पहने स्कूली बच्चों को शिक्षा देने वाले जनाब कोई और नहीं बल्कि हटा अनुविभाग के कुम्हारी थाना में पदस्थ उप निरीक्षक बीएस ठाकुर हैं, जो पुलिसिंग के अलावा थाना क्षेत्र की स्कूलों में नियमित रूप से टीचिंग का कार्य करते हैं। थाना प्रभारी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ जनरल नॉलेज और कानून से संबंधित जानकारियां भी देते हैं। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचकर संवाद कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखे हुए हैं। खास बात यह है कि समाज में लगातार बढ़ते अपराधों और व्यस्ततम दौर में पुलिस कर्मी तनाव में रहते हैं, जो अपने ही विभाग के कार्य नहीं निपटा पाते। ऐसे में उप निरीक्षक बी एस ठाकुर पुलिस कर्मियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दरअसल बी एस ठाकुर पुलिस सेवा से पहले प्राथमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर थे। शिक्षक का पद छोड़कर गांव के सरपंच बनकर जनसेवा की और पुनः शिक्षक के बाद पुलिस सेवा में आ गए। बी एस ठाकुर का शिक्षा और बच्चों से ऐसा लगाव है कि आज भी वह इनको समय देकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। हाँ, पुलिस सेवा के पहले मैं दो बार शिक्षक रह चुका हूँ, तो वो शिक्षा जो शिक्षक हैं तो आदमी कहीं ना कहीं उसका रोल प्ले हो जाता है। और पहले भी करीब 6 वर्ष तक निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाया है मैंने, तो लगता है जो हल्का फुल्का ज्ञान है मेरे पास, तो बच्चों को ये हमारे आगामी भविष्य के यही करता धरता है, तो स्कूल में जाके शेयर करता हूँ जो हल्का फुल्का मेरे पास ज्ञान है। थाना क्षेत्र के कितने स्कूल हैं सर जहाँ आप पीरियड लेने जाते हैं? और थाना क्षेत्र के अनुमानित 10-12 स्कूल हैं, तो जब भी अल्टरनेट क्रम में जाता हूँ, जब उस क्षेत्र में मेरा भ्रमण रहता है और अगर मुझे मेरे पास एक्स्ट्रा अपने काम के अलावा और जो एक्स्ट्रा समय रहता है तो जाता हूँ वहाँ पे। जो थाना के काम के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जब मैं फ्री रहता हूँ, तो स्कूल में जाके जो हमारे थाना क्षेत्र की स्कूल है, जब उस स्कूल क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाता हूँ तो स्कूल में ज़रूर जाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को विधिक सूचनाएं और वर्तमान में जो अपराध चल रहे हैं नाबालिग बच्चों बच्चियों को लेकर, तो उन्हें जागरूक करते हैं। और कुछ तैयारी दौरान मेरी जब पुलिस विभाग में आया उस दौरान जो तैयारी थी, तो उसमें हल्का फुल्का ज्ञान है, तो वो भी उनके साथ शेयर करता हूँ। थाना प्रभारी के शिक्षण कार्य से क्षेत्र के लोग खुश हैं, वहीं छात्र छात्राएं भी पुलिस को अपने बीच पाकर रोमांच महसूस करते हैं। छात्राएं बेबाकी से महिला अपराधों के प्रति सवाल पूछकर जागरूक हो रही है। जैन कुमारी से 12th में साइंस से हूँ, यहाँ पढ़ने आती हूँ। सर यहाँ पे बी एस ठाकुर सर थाना प्रभारी उस सप्ताह में एक बार हमें पढ़ाने आते हैं, और बहुत सारी जैसे महिला सशक्तिकरण, मादक पदार्थों का सेवन आदि का और भी कई तरह के कानून की जानकारी देते हैं। हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। सर कानून के अतिरिक्त हमें और भी कई चीज़ें बताते हैं जो हमें आगे चलकर काम आएगा। वहीं स्कूलों के शिक्षक भी थाना प्रभारी को सहकर्मी के रूप में पाकर खुशी जताते हुए प्रशंसा करते नहीं थकते। सभी शिक्षक अध्यापन कार्य बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं और हमारे थाना प्रभारी महोदय कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए भी हमेशा या कभी कभार स्कूल में आ जाते हैं, और वो जैसे सड़क सुरक्षा, मादक पदार्थों के ऊपर, या जो अभी एक अफवाह चल रही थी बच्चा चोर गिरोह के संबंध में, इस संबंध में वो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और एक घंटे आधा घंटे का समय वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से निकाल कर स्कूल में देते हैं। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की रिपोर्ट।